दोस्तों, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में शुमार अनिल अंबानी आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। दोस्तों, अनिल अंबानी ने 1991 में एक्ट्रेस टीना मुनीम से शादी की थी। अनिल अंबानी का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, इसलिए दोस्तों प्यार होने के बावजूद अनिल ने टीना से ब्रेकअप कर लिया था। हालांकि दोस्तों, अनिल ने जैसे तैसे अपने परिवार को इस रिश्ते के लिए राजी किया। अनिल अंबानी और टीना के दो बेटे हैं। दोस्तों, बड़े बेटे का नाम जय अनमोल अंबानी और छोटे बेटे का नाम अंशुल अंबानी है। दोस्तों, अनिल अंबानी को कौन नहीं जानता, लेकिन दोस्तों उनके बेटों के बारे में शायद ही किसी को कुछ पता हो, इसलिए दोस्तों आज अनिल अंबानी के जन्मदिन पर हम उनके बड़े बेटे जय अनमोल अंबानी की बात करते हैं। दोस्तों, इतनी अमीर फैमिली होने के बावजूद अनमोल मीडिया के सामने आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। शायद दोस्तों यही वजह है कि उन्हें कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, अनमोल को साधारण जिंदगी जीना बेहद ही पसंद है और वो अपना ज़्यादातर समय परिवार के साथ बिताते हैं। अनिल अंबानी भी मीडिया फ्रेंडली नहीं है, जबकि दोस्तों उनके भाई मुकेश अंबानी अक्सर चर्चा में रहते हैं। मुकेश अंबानी के तीनों बच्चे ईशा, अनंत और आकाश बाहर निकलते ही सारी लाइमलाइट्स अपनी ओर खींच लेते हैं। वहीं दोस्तों अनिल अंबानी और उनके बच्चे मीडिया से दूर रहना ही पसंद करते हैं। दोस्तों, जय अनमोल का जन्म 12 दिसंबर 1991 में मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के जॉन कॉनन स्कूल से की थी। इसके बाद में वो आगे की पढ़ाई के लिए यूके चले गए। दोस्तों, अनमोल ने वेविक बिजनेस स्कूल से बीएससी किया है। दोस्तों, साइंस की पढ़ाई करने के साथ ही अनमोल का इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में भी था। 18 साल की उम्र में ही अनमोल ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद में अनमोल ने रिलायंस म्यूचुअल फंड में 2 महीने तक इंटर्नशिप की थी। दोस्तों, अनिल अंबानी ने ही अपने बेटे को ट्रेंड किया। उन्होंने अनमोल को बताया कि रिलायंस कंपनी में कैसे काम होता है और वहाँ का वर्क कल्चर क्या है। दोस्तों, अपने पिता की सीख से ही अनमोल ने जापान की बड़ी कंपनी निप्पॉन को रिलायंस कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया था, जो दोस्तों अब रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस के नाम से भी चल रही है। दोस्तों, साल 2017 की एनुअल जनरल मीटिंग में जय अनमोल को रिलायंस कैपिटल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। तब दोस्तों जय ने अपनी पहली पब्लिक स्पीच दी थी। जो लोग अनमोल को जानते हैं, उनका कहना है कि अनमोल बहुत ही प्यार से बात करते हैं, अपने काम को पूरी लगन से करते हैं। दोस्तों, अनमोल काफ़ी शर्मिले हैं, इसलिए कैमरे के सामने आने से बिल्कुल बचते हैं। पिछले दिनों जय को अपने भाई आकाश अंबानी की शादी में देखा गया था। यहाँ दोस्तों वो अपने पेरेंट्स और छोटे भाई जय अंशुल अंबानी के साथ में पहुँचे थे। दोस्तों, अनमोल परिवार में होने वाले हर रीति रिवाजों में शामिल होते हैं। अनमोल अपने दादा धीरूभाई अंबानी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। अनमोल अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अनमोल को खाना बहुत ही पसंद है और वो शराब सिगरेट को तो हाथ भी नहीं लगाते। दोस्तों, अनमोल एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। उनके पास कई लग्जरी कार और पर्सनल एयरक्राफ्ट भी है। उनके कार कलेक्शन में रोल्स रॉयल फैंटम, लैम्बोर्गिनी ग्लाडो, मर्सिडीज बेंज एस क्लास, मर्सिडीज GLK 350, रेंज रोवर वॉग, टोयोटा फॉर्चुनर और लेक्सस SUV है। दोस्तों, अनमोल की कमाई की बात करें तो उनकी नेट वर्थ 20,000 करोड़ रुपए है।